खाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हला बोल। तो हला बोल में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 7 गांव के हजारों ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही गांव में किसी भी दल के नेता को नहीं घुसने का बोर्ड तक लगा दिया। दरअसल सेंधमुंडा नदी में सालों से पुल नहीं बना है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर चुनाव के समय नेता गाँव में आते हैं, चुनावी वादे करते हैं और भूल जाते हैं जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। अभी तक शुरुआत नहीं हो पा रहा है, बस भूमि पूजन हो गया लेकिन अभी तक के इसका कार्य चालू नहीं हुआ है तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ ब्रिज के नाम से होना चाहिए, क्या है अभी अगर कोई मरीज घर में तकलीफ होता है तो उसको घुमाने के लिए बहुत दूर से लेना पड़ता है। अगर पुल हो जाता तो आसानी से हम लोग हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। हम लोग 15 से 20 साल से हम जो मांग कर रहे हैं तेल नदी घाट पुल के लिए, वो आज तक किसी भी नेता के द्वारा सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया किंतु अभी तक हमें वहां का जो ब्रिज पुल है वो निर्माण नहीं होने के कारण ये क्षेत्र के ग्रामीण लोग भी सहयोग कर रहे हैं चुनाव बहिष्कार करने के लिए कि जब तक यहाँ पुल निर्माण न हो तब तक हम चुनाव मैं मत गणना नहीं करेंगे। तो हला बोल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पर 7 गांव के हजारों ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें लिखा है कि कोई भी नेता गांव में प्रवेश नहीं करेगा। हमारे सहयोगी प्रतीक मिश्रा इस खबर पर जुड़े हैं। प्रतीक, 7 गांव गरियाबंद के 7 गांव ऐसे हैं जहां पर हजारों ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और इतना ही नहीं गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है कि कोई भी नेता गांव में प्रवेश नहीं करेगा, इतना आक्रोश क्यों? जी मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला है गरियाबंद जिले के बिंद्रा नावगढ़ विधानसभा के देवभोग विकास संघ का, जहां 7 गांव के हजारों ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए किसी भी दल के नेता को घुसने का फरमान जारी किया है। चौराहे पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। दरअसल सेनमुड़ा जो नदी है वो वर्षों से पुल नहीं बन पाया, ग्रामीण लगातार पुल की मांग कर रहे थे जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हर चुनाव में तो अब देखा जाए हर चुनाव में नेता आते रहते हैं और कई पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे नेता हैं जो वादा कर किए थे कि पुल बनाएंगे मगर पुल का काम कहीं दिख रहा नहीं है, इसलिए ग्रामीण जो है वो इस टाइम वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। जी प्रतीक, ग्रामीणों का कहना है कि जिस नदी की वो बात कर रहे हैं सेंधमुंडा नदी, यहाँ पर सालों से पुल नहीं बना है, क्या कारण है इस नदी पे पुल ना बनने की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव निकल चुका है, अब लोकसभा चुनाव की बारी है, नेता एक बार फिर गांव में प्रवेश करेंगे, नेता वोट के लिए तो गांव में आ जाते हैं लेकिन जब पुल बनाने की बात आती है तो उनके कानों में जूनी रेंगती है। जिस सेंधमुंडा नदी में पुल नहीं बनने से काफी पिछले टाइम से कई ग्रामीण मांग कर रहे थे और पुल नहीं बनने के चलते ग्रामीण जो है काफी नाराज है, लोकसभा का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। बहिष्कार करने वाले में 7 गांव के जो हजारों ग्रामीण है वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। क्या कारण है कि नदी पर पुल नहीं बन पा रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए ग्रामीणों की तो उनका ये कहना है कि भूमि पूजन हो गया है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।
जी दरअसल 15 सालों से ग्रामीण लगातार एक ही मांग कर रहे हैं तेल नदी में पुल बनाने की, और पुल नहीं बनने से ग्रामीण काफी नाराज चल रहे हैं। और कई पिछले समय पूर्व सीएम मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पुल बनाने की घोषणा की थी, मगर उनकी घोषणा रंग नहीं लाई। जी क्या वजह बताई जा रही, नेता क्यों नहीं यहाँ पर पुल बनवा रहे हैं? वजह तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हमने जब हमने बात की, जो नेता है उनसे बात की, तो उनसे संतुष्ट पर जवाब जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अभी इसका जो स्टेट में वो है वो पास होने के लिए ऑफिस गया हुआ है। प्रतीक, जब न्यूज हॉल की टीम इस गांव में पहुंची थी, क्योंकि एक गांव नहीं बल्कि 7 गांव हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है, क्या तस्वीर देखने को मिली थी? क्या क्या और अव्यवस्थाएं यहां पर थी? क्या इस गांव में पुल के अलावा कोई और मूलभूत सुविधा है जो इन्हें नहीं मिल रही है, या फिर पूरी तरह से इस गांव में किसी तरह की कोई सुविधा ग्रामीणों के पास नहीं है? जी मैं आपको बता दूं कि तेल नदी पर पुल नहीं होने के कारण खासकर बरसात के दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना पड़ता है। सभी गांव से जनसंपर्क है वो टूट जाता है, ब्लॉक मुख्यालय से भी जो संपर्क रहता है वो भी टूट जाता है। बरसात के दिनों में तेल नदी में बाढ़ होने के कारण कई बीमार लोग की अकाल मृत्यु भी हो चुकी है, और जिसके चलते जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित चल रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में पुल नहीं तो वोट नहीं का जो ये नारा है वो लगातार। प्रतीक आपको रोकूंगी, प्रतीक आपको रोकूंगी। डमरूधर पुजारी जो विधायक हैं बिनिंदा वनागढ़ से, उनसे हम बात करते हैं। डमरूधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी जी बोलो मैडम। डमरूधर जी, गरियाबंद की सेंध नदी, सेंध मुंडा नदी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर पिछले 15 साल से पुल नहीं बन पाया है, कारण? पुल तो बना है मैडम। पुल बना है? हाँ, तेल नदी में पुल बना है। फिर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार क्यों किया? नहीं, वो नीचे वाला है मैडम, तकनीकी साइड से रुका है। नहीं तो वो पास हो गया है तकनीकी नाम से, क्या ड्रेन व्रेन क्या चेंज करते हैं उस समय रुक गया है, अभी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। 15 साल से काम रुका हुआ है, भूमि पूजन हो गया लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। 7 गांव के डमरूधर जी, 7 गांव के हजारों ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि कोई भी नेता गांव में प्रवेश नहीं करेगा। अब जब स्थितियां ऐसी हो तो आप चुनाव के लिए प्रचार करने कैसे जाएंगे, कैसे जनता से वोट मांगेंगे? नहीं, वो जनता कांग्रेसी वाले वो कैसा तो कर रहे थे मैडम, ये तो नहीं है ऐसे। वोट उन्होंने बीजेपी या कांग्रेस नहीं लिखा, बीजेपी या कांग्रेस नहीं लिखा, उन्होंने साफ लिखा है कि कोई भी नेता हमारे गांव में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, नहीं नहीं वो करेंगे, प्रवेश कैसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे जब ग्रामीण आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे? और वोट पड़ेगा मैडम, देखना वोट के दिन मतदाता लोग सब वोट देंगे। डमरूधर जी, जब ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तो ग्रामीण का प्रश्न नहीं है मैडम, वो कांग्रेस का नेता है ना, वो लोग का है भड़का वाला, बाएं बनेगा पूरा होगा पुलिया, और हम लोग भी प्रयास करेंगे। इतने समय से आप क्या कर रहे थे डमरूधर जी? नहीं, देखो मेरा अभी 4 महीना हुआ है। आपको 4 महीने हुए? हाँ, अभी चुनाव हुआ है 2018 में 2019 में। ठीक है, मैं कार्यक्रम में हूँ मैडम। सर लाइव प्रोग्राम में आप इस वक्त? डमरूधर जी, तो ये थे डमरूधर पुजारी जो विधायक हैं बिंद्रा नवागढ़ से, जिनका कहना है कि वो इस वक्त एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसीलिए जनता के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। उनका कहना है कि मैं 4 महीने पहले चुनकर आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहां पर पुल बनवा सकूं। स्थितियां विकट होती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, गांव वालों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया, लेकिन इन नेताओं के चेहरे पर, इनके माथे पर कोई शिकन नहीं आती, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम गांव में जाएंगे भी और यहां पर वोट भी डलवाएंगे। सवाल ये उठता है कि जब ग्रामीणों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि हम किसी भी नेता को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, ऐसी स्थिति में क्या नेता जबरदस्ती उस गांव में प्रवेश करेंगे?
हमारे सहयोगी प्रतीक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, डमरूदास पुजारी जो विधायक हैं, जो अभी 4 महीने पहले चुनकर आए हैं, उनका कहना है कि हम गांव में प्रवेश भी करेंगे और मतदान भी करवाएंगे। प्रतीक, जी मैम। प्रतीक, डमरूधार पुजारी जो विधायक हैं, उनका कहना है कि हम गांव में प्रवेश भी करेंगे और हम मतदान भी करवाएंगे। लगता है संपर्क टूट गया। प्रतीक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। प्रतीक, मेरा सवाल यह है कि डमरूधार पुजारी जो विधायक है, जो पिछले 4 महीने पहले चुनकर आए हैं, उनका ये कहना है कि हम गांव में प्रवेश भी करेंगे और मतदान भी करवाएंगे, जबकि ग्रामीणों ने साफ कहा है कि कोई भी नेता, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमारे गांव में प्रवेश नहीं करेगा और ना ही हम लोकसभा में मतदान करेंगे। प्रतीक, आपको रोकूंगी। प्रतीक, आपको रोकूंगी। चंदूलाल साहू जो सांसद है वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। चंदूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद सर। गरियाबंद की बात कर रही हूँ, जहाँ की सेंध मुंडा नदी सालों से पुल के लिए तरस रही है। गरियाबंद में क्या? गरियाबंद की बात कर रही हूँ, जहाँ पर 7 गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि पिछले 15 साल से सेंध मुंडा नदी में पुल नहीं बना है। यस जी मैडम, सेंध मुंडा में पुल की स्वीकृति हो गई है। काम हुआ वो 15 साल पहले स्वीकृति हो गई थी। सुने, लागत ज्यादा आने कारण से वो रिवाइज एस्टीमेट के लिए भेजा गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के पास आया है, और चुनाव के कारण से वो अभी नहीं बन पा रहा है। वो बनेगा, स्वीकृति मिल गई उसकी। स्वीकृति कब मिली सर? स्वीकृति इसके पहले वाले में मिल चुकी है। क्या है, वो रिवाइज एस्टीमेट के लिए कास्ट जाना आने कारण से भेजा गया है। अब सरकार चेंज हो गई, अभी सरकार अभी 100 दिन में तो कर नहीं पाया, अभी चुनाव के बाद में होगा। और अभी फिलहाल स्थगित है और सभी को समझाया जा रहा है, वो चुनाव बहिष्कार की जो घोषणा की है वो वापस लेंगे लोग। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्वीकृति ले ली है, ठीक है, 15 साल भी था चंदूलाल जी, 15 साल पहले पूजन किया है, उसके बाद में काम डिले होने के कारण से कॉस्ट बढ़ गया। यस, कितना समय हुआ स्वीकृति मिले हुए सर? कितना साल? स्वीकृति तो 1 साल हो गया। स्वीकृति को मिले 1 साल हो गया और विधानसभा चुनाव चुनाव 4 महीने पहले हुए थे। यस, काम शुरू अभी तक नहीं हुआ, जब लोकसभा चुनाव आ गया और 7 गांव, एक नहीं सर, 7 गांव के ग्रामीण हैं, हजारों ग्रामीण हैं जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया कि कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, गांव में प्रवेश नहीं करेगा और ना ही हम मतदान करेंगे। और आपके विधायक कह रहे हैं कि हम गांव में प्रवेश भी करेंगे और मतदान भी करवाएंगे। कैसे? जबरदस्ती? कलेक्टर से मेरा बात हुआ है, कलेक्टर शासकीय स्तर पे समझाइश का काम जारी है। अब मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे, चूंकि कास्ट ज्यादा आने कारण से रिवाइज एस्टिमेट के लिए भेजा गया है, उसे स्वीकृति में जाके बन जाएगा वो। अब बहिष्कार करने भर से हल नहीं होता सर, एक साल से इंतजार भी तो कर रहे हैं ना वो, सालों से इंतजार कर रहे हैं। 1 साल पहले आप उसकी परमिशन लेते हैं, भूमि पूजन करते हैं और काम शुरू नहीं करते हैं, तो क्या उनका गुस्सा लाजमी नहीं है? जहाँ पर बीमार हो जाता है, चंदूलाल जी, व्यक्ति बीमार होता है, परिजन परेशान होते हैं, उनके पास जाने के लिए रास्ता नहीं होता, नदी कैसे पार करेंगे? अगर उनका उनके प्रिय की मौत होती है तो जिम्मेदार कौन होता है? चलिए, एक पुल तो नहीं बनाया हमने, 10 पुल और बनवाया है। जो पुल बन गया सर, क्या वो 10 पुल इस गांव से जुड़े हैं? क्या वो 10 पुल इस गांव में हैं? नहीं नहीं, इस गांव में नहीं, अलग अलग गांव का है वो, अलग अलग गांव अलग समझ। मैं आपसे इस गांव की बात कर रही हूँ ना, जहाँ पर लोग 7 गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है, छोटी बात लगती है आपको? नहीं नहीं, छोटी बात नहीं है, वो समस्या से अवगत कराए, और उनका आम जनता का अधिकार है कि अपनी बात कहने के लिए अलग अलग तरीके से अपन प्रदर्शन करते हैं। बहिष्कार किया उसको समझाया जा रहा है कि वो चुनाव के बाद ही बनेगा। उन्होंने कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन उस बीच आप लोगों के कानों में जू नहीं रहेंगी, काम ही नहीं शुरू हुआ। नहीं, नहीं, हमने सैंक्शन कराया है, उसके सैंक्शन के कारण से ही ये बढ़ रहा है। इसके पहले वो कांग्रेस सरकार के समय में कुछ हुआ नहीं था। 10 साल हमने जो उस क्षेत्र में विकास किया है, ऐसे विकास तो 50 साल में नहीं हुआ है। ठीक है, एक पुल अटक गया है, रिवाइज एस्टीमेट के कारण से, वो भी सरकार आने के बाद स्वीकृति नहीं मिली।
10 साल में आपने विकास करवाया था चंदूलाल जी, 10 साल में आपने गांव में विकास करवाया है। हाँ हाँ, इसके पहले बहुत सारा काम हुआ है उधर। तो फिर एक पुल क्यों नहीं बनवा पाए सर आप? क्या ये आपकी प्राथमिकता में शामिल नहीं था? नहीं, ये भी प्राथमिकता में सेंक्शन हुआ ना, प्राथमिकता में शामिल था, इसलिए सेंक्शन हुआ। 10 साल बाद? यस, 10 साल बाद आपकी प्राथमिकता में शामिल हुआ, उसके बाद ये बना। और अभी भी एक साल हो चुका है, स्वीकृति मिले लेकिन काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि लागत बढ़ गई है। लागत तो बढ़ने कारण से तो आपको नहीं लग रहा लोकसभा चुनाव मई में खत्म हो गए? प्रचार कार्यक्रम में हूँ अभी, वो भी उड़ीसा में हूँ अभी मैं। विडम्बना यही है चंदूलाल जी कि आपके विधायक भी इस समय कार्यक्रम में ही मौजूद है और जनता की समस्या के समाधान के लिए उनके पास समय नहीं है और न ही प्रश्नों के जवाब है। अब ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि जनता आपको मतदान करे, आपको जिताए? जवाब दे रहा हूँ मैं लगातार, जो भी पूछते हैं सबको जवाब देता हूँ, पूरी जानकारी भी लिया हूँ, कलेक्टर से मैंने बात किया कि जाकर के वो समझाए, उसके बाद में पुल बनेगा। सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ एक पुल का मामला नहीं है, हमारे क्षेत्र में कई पुल हैं, कई गांव के समस्या से जूझ रहे थे, सबका हमने समाधान किया है। लेकिन ग्रामीणों की तो समाधान एक साथ होता है, सब समस्या सुनिए, सबका समाधान एक साथ में नहीं होता, समस्या ऐसे है आती रहती, समाधान होता है फिर दूसरा समस्या उत्पन्न होता है और इस प्रक्रिया के तहत लगातार चलते रहता है। लेकिन इस गांव के लोगों ने तो अपनी जिद पकड़ के रखी है, अगर पुल नहीं बनेगा तो उसको समझाया जाएगा, खैर मैं उधर भी गया नहीं हूँ, उसको समझा के वो डलवाएंगे, शासन स्तर पर और समाज के स्तर भी चल रहा है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। क्या बात है चंदू जी, आप तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, शायद आपके लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण है ना कि जनता की समस्या है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जल्दबाजी हम समझ सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, दूसरे चरण का मतदान भी होना है और आपको आपका प्रचार भी करना है, आपकी पार्टी का प्रचार करना है, तो आपके पास समय लाजमी सी बात है कम ही होगा। प्रतीक, सांसद महोदय के पास भी काम बहुत ज्यादा है, समय नहीं है उनके पास इतना कि वो जनता की समस्याओं को सुने और उनके समाधान के लिए कोई ऐसी बात कहें या ऐसा रास्ता निकाले कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। जी मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक पुल भी नहीं यहाँ ग्रामीणों को जो महत्वपूर्ण जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो रोड की सुविधा मिलनी चाहिए, आज 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 लगभग 5 साल पहले भी NH 130 का जो स्वीकृति मिली थी, आज तक वो पूर्ण रोड का जी निर्माण नहीं हो पाया। 133 केवी की जो विद्युतीकरण की जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा की थी, आज तक उसका काम नहीं हो पाया। ऐसे कई पुल और नाले हैं जिसका आज तक निर्माण नहीं हो पाया जी। लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं थी तो इन समस्याओं को पिछले 5 साल में क्यों नहीं सुलझाया गया, या फिर अब बात की जाए नई सरकार बनी है तो नई सरकार ने इन समस्याओं को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर किसी नदी पर पुल नहीं है प्रतीक, और 7 गांव के ग्रामीण उस में इलेक्शन का यानी कि चुनाव का अगर बहिष्कार करते हैं तो ये बात छोटी नहीं होगी। लगातार जो जनप्रतिनिधि है, जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि है, लगातार मुख्यमंत्री से, विधायक से और सांसद से और जो प्रभारी जो गरियाबंद जिले के जो मंत्री हैं उनसे लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देते हैं, मगर जो ज्ञापन है वो कोई काम नहीं आ रहा है। जो ग्रामीणों को जो महत्वपूर्ण सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, बिजली, सड़क, पानी, वो सुविधा अभी तक नहीं मिल पा रही है। मैं बता दूं कि यही देवों को विकास करना है, जहाँ सुपेबेड़ा में 70 से ऊपर मौत हो चुकी है मगर आज तक वहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम खबर को दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की सेंध मुंडा नदी की, जहां पर सालों से पुल नहीं बना है और इसी के चलते ग्रामीणों में इतना आक्रोश है कि एक नहीं बल्कि 7 गांव के हजारों ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। और इतना ही नहीं, नेताओं को चेताने के लिए उन्होंने गांव के बाहर पोस्टर लगा दिया है और उस पर साफ लिखा है कि किसी भी नेता का प्रवेश गांव में वर्जित है और उन्होंने साफ साफ लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि सांसद चंदूलाल साहू और जो विधायक हैं डमरूधर पुजारी, इन दोनों से हमने बात की लेकिन दोनों के पास ही समय कम था क्योंकि वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे। अंदाजा लगा सकते हैं आप के नेता वोट के लिए जनता के पास जाते हैं लेकिन जब जनता की समस्याओं को लेकर उनसे सवाल किए जाते हैं
तो वो अपने आप को कार्यक्रम में व्यस्त बता के अपना फोन काट देते हैं। अगर नेता ऐसे होंगे तो जनता की समस्याएं सुलझेंगी या यूं ही उलझी रहेंगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ गोल्ड के साथ।